दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आपके मच अवेटेड क्वेश्चन जो कि पिछले कई दिनों से मुझे देखने को मिल रहे हैं कि आपका वॉच टाइम जो है यूट्यूब चैनल पे वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर को वॉच टाइम को धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हो ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए, वीडियो पसंद आए, सब कुछ आपको सही लगे, वीडियो में आवाज मेरी सही से आ रही है, वीडियो सही से दिख रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी अगर ये टॉपिक पे डाउट है तो वो डाउट इनका क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा आपके डाउट का आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश एक्चुअली करूंगा, बट फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो वो जाकर के आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वॉच टाइम जो आप बोल रहे हो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका कोई वॉच टाइम जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे शो क्या करता है, जब भी आप एनालिटिक्स वाले पेज पे जाते हो तो आप देखते हो कि पिछले दिनों के अकॉर्डिंग आपका जो धीरे धीरे करके एक एक दिन जैसे ही गुजरते जा रहे हैं तो आपका वॉच टाइम यहाँ पे कम बताते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी कम बताते जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो लाइफ टाइम जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वॉच टाइम है, इनमें कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर पूरा का पूरा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप जैसे एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको देखिए डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट रहता है 28 डेज का। तो यहाँ पे पिछले 28 डेज के अंदर आपका चैनल जिस तरह से परफॉर्म किया है, जितने आपके चैनल ने वॉच टाइम गेन किए हैं, जितने आपके चैनल ने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं 28 डेज के अंदर में, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे पता चलता है। और जैसे जैसे मान लीजिए आपका चैनल इस मंथ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाता है, और अगर आपका चैनल उससे भी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है इस बार तो वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ टाइम जो वॉच टाइम है वो कितना है तो वो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक कर सकते हो। आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें कि वन मंथ, वीक्स, साथ ही साथ डे का, और ये सभी कुछ ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लाइफ टाइम वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका चैनल जो लाइफ टाइम व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स गेन किया है वो सभी कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो यहाँ पे फाइनली आपको देखने के बाद में पता ये चलेगा कि आपका जो चैनल है वो ना ही वॉच टाइम का रिड्यूस कर रहा है, ना ही आपके सब्सक्राइबर्स जो है वो कम हो रहे हैं, सब कुछ जैसा का तैसा है, धीरे धीरे करके इवन वो बढ़ ही रहे हैं बट घट नहीं रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है सिर्फ ये 28 डेज वाले डिफॉल्ट सेटिंग्स के चक्कर में, क्योंकि 28 डेज यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता है, 28 डेज का रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा जो रिव्यू है, पूरा का पूरा चैनल का जो एक्चुअली जो भी जिस तरह से वो आपका चैनल परफॉर्म कर रहा है वो सभी कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो लाइफ टाइम वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कीजिए, आपको सभी कुछ जो है वो आपके चैनल का परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो वो जाकर के आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी जाकर के कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइए गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।